विक्रमादित्य सिंह को कांग्रेस ने अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ मंडी से मैदान में उतारा है। विक्रमादित्य जल्द ही अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। शिमला में मीडिया से रूबरू होते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मंडी की जनता को उनके परिवार को पहले ही आशीर्वाद मिला है, वह पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पर जीतेंगे। कंगना पर हमलावर होते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में जो खानपान की चर्चा चल रही है उसका संज्ञान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से हिंदू संगठनों को लेना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपने पुराने नाते को भी याद किया। मंडी संसदीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है जहाँ पे आज केवल प्रदेश की नहीं मगर पूरे देश की मीडिया की नजर है, मगर मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ और खास करके मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम इस चुनाव को बिल्कुल भी ग्लैमराइज नहीं होने देंगे और यहाँ के जो असली मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा होगी। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या उसका जवाब दे रहा है, कौन किस भाषा का शैली का प्रयोग कर रहा है और क्या उसकी उसका जवाब दिया जा रहा है, कौन क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, इसका चिंतन किसको अगर किसी को करना है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को करना है, क्योंकि वो अपने को हिंदू धर्म का रक्षक कहते हैं। और आज जिस तरीके का एक प्रचार प्रसार चला हुआ है खाने पीने के ऊपर, इसका चिंतन विश्व हिंदू परिषद को करना है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को करना है कि हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे, एकता के साथ लड़ेंगे, इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे। और जयराम जी को ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ, मगर मैं आपको ये पूरी मजबूती से कह सकता हूँ कि हम मंडी संसदीय क्षेत्र को जीतेंगे, जीतेंगे और जीतेंगे। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।